सो गाइस, आज है हमारे पास रियलमी 10 और आज मैं आपको इसी के स्पेशल फीचर्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैमरे में मैंने लाइट कैसे अप्लाई करी हूँ आगे आपको बताऊंगी, और ये जो डायनेमिक आइलैंड है ये मैंने कैसे लाया है आगे आपको मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, अभी ये मैं मोबाइल चला रही हूँ और मेरा हाथ ऊपर के साइड नहीं पहुंच रहा है, तो मैं कुछ इस तरह से करूंगी तो ये सारी एप्लीकेशन नीचे आ जाती हैं। तो इसको भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये मैंने कैसे किया है। तो फर्स्ट फीचर्स की बात करें तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है और आपको यहीं पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है पर्सनलाइजेशन का। तो आपके यहाँ पर वॉलपेपर में आना है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे वॉलपेपर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला वॉलपेपर, ये ना स्पेशल वॉलपेपर है मेरे लिए, क्योंकि ये ना सुबह के टाइम सुबह टाइप लगता है और शाम के टाइम में इसके कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं, और नाइट के टाइम में ये एकदम नाइट टाइप हो जाता है। और यहाँ पर आपको एनिमेशन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ये कितने अच्छे तरह से लग रहे हैं। ये वाला वॉलपेपर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी रियल टाइम में कितना डेटा यूज हो रहा है ये दिखा रहा है, और परसेंटेज बैटरी का ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये मैंने फोटो अप्लाई कर दी हूँ अपने ऑलवेज डिस्प्ले में, तो ये कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाता है। अब आप अपनी फोटो को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, फिर आप यहाँ से फोटो को सेट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फिर एक लाइक भी कर दीजिए। और यहीं पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्हें यूज भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे थीम्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए पेट थीम कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ये वाला थीम जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए बैक आना है, और यहाँ पर आपको आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हम इन आइकन के जो साइज हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मटेरियल हो गया, बबल्स हो गया, और इनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडो वाला, सर्कल वाला, हमें जिस टाइप के आइकन चाहिए ना वैसे हम उनके साइज को भी बदल सकते हैं। और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऐप नेम, यहाँ से आप अपने फोन को, ऐप के फोन को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहीं पर आपको आइकन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको बैक आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है क्विक सेटिंग। जैसे हमारा ऊपर का कंट्रोल बार रहता है ना, तो हम इसके आइकन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे रेनबो हो गया, स्क्वायर हो गया, विंडो वाला हो गया, आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, कंट्रोल पैनल के भी आइकन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको बैक आना है, और यहीं पर आपको एक कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ना, जैसे कि हमारा स्टेटस बार हो गया, सेटिंग एटिंग में जिसमें भी आप जाओगे तो सभी के कलर अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पर ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब हमारे UI का कलर चेंज हो जाता है। यहाँ से आप जो चाहे वो कलर लग सकते हैं, जैसे क्लासिक हो गया, और यहीं से आप कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिंक कर लिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि पिंक कलर हो गया, सारी UI के कंट्रोल पैनल भी पिंक देखने के लिए मिलेगा, सेटिंग वगैरह भी सारी चीजें पिंक, और अपने हिसाब से भी कलर चेंज हो जाते हैं। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने के मिल जाता है वॉलपेपर कलर, मतलब आपका जिस कलर का वॉलपेपर है तो उसी कलर की आपकी सारी UI भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब कंट्रोल पैनल भी, सेटिंग वगैरह सब उसी टाइप की हो जाती है, मतलब वॉलपेपर के हिसाब से भी आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो फिर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एज लाइट। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आई है और आपका फोन बंद होएगा तो इस टाइप से लाइट निकलने वाली है। और अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। आप अभी कैमरे के अराउंड में ये लाइट देखने के लिए मिल रही है, ये मैंने कैसे अप्लाई करी हूँ। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्रोम में जाकर
जाकर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप। जैसे मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया रिंग रिंग ऐप। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करके। अब ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब ये आपका पहले से बंद रहेगा तो आपको यहाँ से चालू कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में लाइट अप्लाई हो गई है और आप इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यहीं पर आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये डायनेमिक गार्लैंड मैंने कैसे अप्लाई करे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब यहीं से चालू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है डायनेमिक स्पोर्ट। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी परमिशन देने के बाद मिलती हूँ। यहाँ से डन कर लेंगे तो हमें ये कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि डायनेमिक आइलैंड अप्लाई हो गया है और यहीं से आप म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहीं से आप हमारी जो म्यूजिक होती है ना वहाँ भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने कैसे अप्लाई करी हूँ। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च करना है आइकन पुल डाउन जेस्चर। ये आपका शायद तक बंद रहेगा तो इसे आपको चालू कर लेना है और फिर अपने हाथ को आप धीरे से ऐसा करेंगे ना तो सारे एप्लीकेशन नीचे के साइड आ जाती हैं और फिर आप यहीं से एप्लीकेशन को चालू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे तो उन्हें हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी बताएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।